बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तस्लीम सज्जाद, चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। फ्रेंड्स, आज दो बहुत ही बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक अपडेट कतर वीज़ा सेंटर से रिलेटेड है और जो दूसरी अपडेट है वो है फ़्लाइट के हवाले से। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वीज़ा सेंटर से रिलेटेड अपडेट है। अपडेट ये है कि 20 जनवरी 2021 से श्रीलंका में कतर का वीज़ा सेंटर ओपन हो रहा है। काफ़ी सारे दोस्त जो श्रीलंका से हैं कमेंट्स में बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे कि कतर का वीज़ा सेंटर श्रीलंका में कब ओपन हो रहा है, इसके बारे में बताएं। तो आज इसकी अपडेट आ गई है। जो लोग श्रीलंका से हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि कतर का वीज़ा सेंटर श्रीलंका में 20 जनवरी से ओपन हो रहा है। तो अभी कुछ दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट कब तक शुरू होगी। तो जो इसकी अपॉइंटमेंट है वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 13 जनवरी से आप पेपर जो है वो अपने जमा करवा सकते हैं। बाकी वीज़ा सेंटर जो है वो 20 जनवरी से ओपन होगा। और दूसरी जो अपडेट फ़्लाइट के हवाले से है, फ़्लाइट के हवाले से ये अपडेट है कि आज सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो फ़्लाइट हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। आज पहली फ़्लाइट सऊदी अरब से कतर दोहा में आई है और आज कतर दोहा से पहली फ़्लाइट सऊदी अरब गई है। यूँ जो है सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो फ़्लाइट का जो एक सिस्टम है वो दोबारा से बहाल हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की ये दो अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। बाकी काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं जी कि आप इंस्टाग्राम पे जो है आंसर नहीं देते। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं, कमेंट्स में भी मैं कोशिश करता हूँ और मैसेज में भी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके मैं दोस्तों को जो है उनके आंसर दे दूँ, लेकिन किसी वजह से नहीं भी दे सकता। अगर बिज़ी होता हूँ तो नहीं भी दे सकता। बहरहाल आप मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।